स्टूडेंट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मुंबई वाले सर गाइज। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं स्पेशल राउंड वन के लिए जो टाइम टेबल है उसके बारे में। ये टाइम टेबल एग्जैक्टली क्या है, किस तरह से और कब से ये फॉर्म फिलिंग करने का है इसके बारे में आज का डिटेल का वीडियो है। तो वीडियो बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। तो गाइज यहाँ पे देखिए, पहले तो यहाँ पे आज के दिन ये नोटिफिकेशन जो आया है वो क्या है ये देख लेते हैं। तो नोटिफिकेशन में यहाँ पे बताया, डियर एप्लीकेंट प्लीज़ नोट दैट बिफोर दिस राउंड Part 2 option form of all student will be unlocked. The student who wants to participate in this special round cap round needs to be fill and lock his option form again. तो पहली बात तो गाइस आपका ऑप्शन फॉर्म टू जो है ये अनलॉक हो चुका है स्पेशल राउंड वन के लिए। तो आप सभी को स्पेशल राउंड वन के लिए फॉर्म फिलिंग फिर से करने का है और जो भी अपना फॉर्म है ये आपको फिर से गाइस लॉक करने का है, तभी आप लोग इसमें पार्टिसिपेंट हो सकते हो। ये बात है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं टाइम टेबल एग्जैक्टली क्या है। तो ये टाइम टेबल गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इस तरह से इसको ओपन करके देख लीजिए कि एग्जैक्टली यहाँ पे टाइम टेबल क्या दिया है। तो जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं यहाँ पे अपना ये टाइम टेबल ओपन कर रहा हूँ। अभी देख लेते हैं ये टाइम टेबल है क्या। तो यहाँ पे गाइस ये टाइम टेबल ओपन हो चुका है, आप लोग देख सकते हो 17 तारीख से गाइस यहाँ पे फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस चालू हो जाएगा। 17, 18, 19, 20 ये चार दिन ये फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस रहेगा। 17 तारीख को सुबह 10 बजे ये चालू हो जाएगा और 20 तारीख को रात के 10 बजे तक ये फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस रह सकता है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन इसमें पार्टिसिपेंट कर सकता है, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। प्रवेश प्रसिद्धिक्रम नोंदवणे म्हणजे विशेष फेरी एक साठी पसंदी अर्ज भाग दोन ऑनलाईन सादर करणे, विद्यार्थ्यांना भाग दोन मध्ये किमान एक व कमाल 10 पसंदीक्रम विद्यालय नोंदवता येतील। तो ये पार्ट आप लोग को पता ही है, आपको स्पेशल राउंड वन के लिए फॉर्म फिलिंग करने का है। नवीन विद्यार्थी ऑनलाईन नोंदणी करून अर्ज भाग एक भरून तो प्रमाणित करून घेऊ शकतात। तो जिन लोग ने अभी तक पार्ट वन का फॉर्म नहीं भरा या उसमें कुछ चेंजेस करने के रहेगा तो वो भी यहाँ पे गाइड्स कर सकते हैं और उनको भी इसी टाइम के बीच में अपना फॉर्म फिलिंग कंप्लीट कर देने का है। तो इस तरह है। एंड गाइस वहां पे पॉइंट नोटिस में क्या दिया है, टिप में क्या दिया है देखते हैं। केवल भाग एक पड़ताली झालेले विद्यार्थी भाग दोन भरू शकता। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग फर्स्ट टाइम पार्ट वन का फॉर्म भर रहे हो या उसमें कुछ भी चेंजेस कर रहे हो तो आपका पार्ट वन का फॉर्म वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आप लोग पार्ट टू का फॉर्म भर सकते हो। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, फक्त पसंदी क्रम भाग दोन लॉक असलेले अर्ज अलॉटमेंटसाठी विचारात घेतले जातील। मतलब आपका पार्ट वन और पार्ट टू का दोनों का फॉर्म लॉक रहना चाहिए तभी आप लोग को अलॉटमेंट हो सकता है। अगर आपका फॉर्म लॉक नहीं रहेगा तो गाइस आपको यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं होगा। तो ये बात याद रखिए अपने को फॉर्म लॉक करने के। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, सम्मति देने बंधनकारक। मीन्स यहाँ पर आपको गाइस जो भी फॉर्म फिलिंग है मतलब स्पेशल राउंड के लिए उसके लिए आपको पहले सम्मति देने बंधनकारक। मीन्स आपको यहाँ पर परमिशन देने का है कि यस कि हम लोग स्पेशल राउंड वन में पार्टिसिपेंट करना चाहते हैं। वो किस तरह से रहेगा ये जब भी फॉर्म फिलिंग करने का रहेगा तभी मैं आपको बता दूंगा। या फेरी पूर्वी सर्वांचे पसंतीक्रम अर्ज भाग दोन अनलॉक केलेले आहे, जे विद्यार्थी विशेष फेरीसाठी सहभागी होऊ इच्छितात त्यांनी आपला पसंती अर्ज पुन्हा लॉक करणे बंधनकारक आहे। आता तर प्रत्येक विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन संमती द्यावी लागेल। तो देखिए आपको ये पहले अनलॉक किए रहेंगे उसको आप लोग को पहले संमति देना पड़ेगा, मतलब परमिशन देना पड़ेगा कि यस हम लोग इसमें पार्टिसिपेंट करना चाहते हैं। एंड देन जो भी कॉलेजेस है वो सिलेक्ट करके आपको फॉर्म लॉक करने का है। सदर प्रवेश फेरीपासून पुढील प्रत्येक फेरीसाठी विद्यार्थ्यांनी पसंतीक्रम देऊन अर्ज भाग दोन लॉक करणे आवश्यक असेल, त्यामागील फेरींचे पसंतीक्रम कायम राहणार नाहीत। तो ये बात याद रखिए गाइस, स्पेशल राउंड वन के लिए आपको फॉर्म फिलिंग करते वक्त फॉर्म एडिट करके लॉक करने का है। जैसे कि बाकी तीन राउंड में कैसा होता था, वही फॉर्म अगर आप लोगों ने कुछ नहीं चेंजेस किए तो वही नेक्स्ट राउंड में होता था। तो अभी से ये ऐसा होने वाला नहीं है, हर एक राउंड में आपको ये चेंजेस करने के है। नियमित फेरीसाठी प्रतिबंधित असलेले सर्व विद्यार्थी या मध्ये सहभागी होऊ शकतात, विशेष फेरीपासून पुढे कोणत्याही विद्यार्थ्यास प्रतिबंध केले जाणार नाही। तो ये पार्ट मैंने आपको पहले भी बता दिया था गाइस कि सभी स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेंट कर सकते हैं। जिन लोग ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया, जिन लोग ने एडमिशन लिया लेकिन कैंसिल किया, जैसे सभी स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेंट कर सकते हैं। कोटा प्रवेश साठी इच्छुक विद्यार्थी ऑनलाइन कोटा प्रवेश पसंदीदा नोंदवू शकता। तो देखिए कोटा का भी जो एडमिशन है ये भी इसी टाइम के बीच में हो सकता है, यहाँ पे दिया है। और बायफोकल के भी एडमिशन होने वाले है। तो इस तरह से रहेगा। और गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 24 तारीख को सुबह 10 बजे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरह से कौन सा कॉलेज
मैच अलॉटेड हो गया है एंड देन 24 25 26 27 ये चार दिन में जाके आपको अपना जो भी कॉलेज अलॉटेड हुआ है वहाँ पे एडमिशन लेने का है। तो यहाँ पे देखिए जर विद्यार्थ्यांना मिळालेला विद्यालय प्रवेश घ्यायचा असेल तर त्या विद्यार्थ्यांनी प्रोसीड फॉर ॲडमिशनवर क्लिक करून आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावीत आणि अलॉट झालेल्या विद्यालयात जाऊन आपला प्रवेश निश्चित करावा। प्रथम पसंतीक्रम मिळूनही प्रवेश घेतला नाही किंवा प्रवेश नाकारला गेला अथवा प्रवेश रद्द केला अशा विद्यार्थ्यांना यापुढील कोणत्याही फेरीत प्रतिबंध केले जाणार नाही। तथापि विद्यार्थ्यांनी आपला प्रवेश लवकरात लवकर निश्चित करणे हिताचे आहे। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि अगर आप लोग ने फर्स्ट कॉलेज भी अलॉटेड हो गया और आप लोग ने नहीं लिया तो भी आपको नेक्स्ट राउंड में एडमिशन के लिए फॉर्म फिलिंग मिल जाएगा। बट ये बोल रहे हैं कि जो भी मिल रहा है वहाँ पे कॉलेज एडमिशन लीजिए। पुढील फेरीसाठी नवीन विद्यार्थ्यांनी नोंदणी आणि अर्ज भाग एक भरणे सुरू राहील और ये देखिए पार्ट वन का या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस थ्रू आउट इसमें चालू रहेगा। फेरी अकेले रिक्त जागा जाहिर करने एंड ये 27 तारीख के बाद फिर नेक्स्ट राउंड के लिए जो भी टाइम टेबल रहेगा वो डिक्लेयर हो जाएगा। तो इस तरह से गाइस यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हो कोटा का भी जो एडमिशन का प्रोसेस है उसके लिए भी सेम है, 17 से लेकर 20 में इन हाउस वगैरह मैनेजमेंट कोटा वगैरह या माइनॉरिटी कोटा इससे आप लोग एडमिशन का प्रोसेस कर सकते हो और 24 से लेकर 27 के बीच में आपको एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट कर देने का है। तो इस तरह से गाइस ये है, बाईफोकल का भी आप लोग देख सकते हो उनके लिए भी सेम ही है कि एडमिशन का प्रोसेस उनको भी 24 से लेकर 27 के बीच में जो भी एडमिशन का है बाईफोकल का वो कंप्लीट कर देने का है। तो इस तरह से ये गाइस टाइम टेबल था, आई होप कि आपको ये टाइम टेबल समझ में आ रहेगा। इसके अलावा और भी कुछ डाउट रहेगा तो हमें कमेंट कर दीजिए या हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिए। थैंक यू।